लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ऑडिट तो हर एक वार्ड में होता है और ऑडिट के हिसाब से हर एक को नोटिस भी दी जाती है, लेकिन लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन इमारत नहीं छोड़ना पसंद करते। और ये भी सही है क्योंकि घर एक बार निकल जाता है तो वापस कभी मिलेगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। और अपने मुंबई में हर एक अथॉरिटी है, हर एक अथॉरिटी के जो मालकी रहती है उसके ऊपर घर रहते, तो हर एक अथॉरिटी अलग अलग ढंग से देखती है। अभी जो गिरी है वो कलेक्टर लैंड है और ऐसा मुझे पूरी जानकारी मिली है कि उसमें तीन मजली और दो एक मजली, तो तीन मजली की इमारत एक मजली के ऊपर गिर गई और उसमें बच्चे आठ बच्चे मौत हुई है उनकी और 18 लोग घायल है, उसमें से 11 लोग में 5 लोग भी आज अति दक्षता विभाग में है। और मुझे लगता है लास्ट ईयर में भी हमने एक ऐसी मीटिंग ली थी कि सब अथॉरिटी इकट्ठा करके उनके साथ बातचीत हुई थी कि C1 कैटेगरी है या जो नैसर्गिक हाइट नहीं रखते हुए जो राक्षसी हाइट रखते खुद के लिए और ये उनके भी जान की परवाह नहीं करते, दूसरे के तो नहीं चाहिए खुद की भी जान की परवाह नहीं करती है, ऐसे लोगों का ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत ही बुरा है। बच्चे लोग गए तो उनके लिए तो मैं प्रार्थना करती है कि उनको सदगति मिली। और मंगलवार या बुधवार को हम ये मीटिंग वापस लगाएंगे कि बाबा ऐसा करना, हर एक को डेंजर जोन से निकाल के सेफ जगह लेके जाना। अभी तो आज ही हुआ है, 3 बजे हमारी महानगर पालिका की एक मीटिंग है, उनके बाद हम वो सावधानी के कारण क्या क्या उसके गाइडलाइन जारी करेंगे वो देखेंगे। नहीं आप कहते हो सही है, लेकिन जो पिछले ईयर के जो हम सब देखते हैं क्या हुआ है, तो 3-3, 4-4 दिन पानी निकलता नहीं था। अभी तो बारिश 1 आवर में 30 मिलीमीटर के घनत्व से बारिश गिर रहा है और जब ही हाई टाइट रहती है तभी वो बारिश शहर में थोड़ा सा जो पहले का 5 फुट 4 फुट अभी तो अपने घुटने के भी नीचे पानी थमा था, कई जगह में तो पानी ही नहीं था। और कई जगह जो हम कहते हैं कि भौगोलिक और नैसर्गिक नेचुरल जो है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है सबको। हम तो ध्यान दे के ही इतना ब्रिमस्टोन का ये बनाया, अभी जल अंडरग्राउंड टाकी बना रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब पानी लेके जाने के लिए समुद्र में उसको लेके जाने के लिए नाले बढ़ा दिया, नाले के डिपनेस इसीलिए तो ये टाइम इतना 130 के ऊपर मिलीमीटर के पानी बारिश आया है। तो भी बहुत से जगह ऐसी थी कि जिसमें पानी घुटने के ऊपर नहीं लेकिन 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे में तो पानी गया है। नहीं हम हमारी तैयारी तो कर रहे हैं, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, हमारे सब टीम तैयार कर रहे हैं ऐसा कुछ होता है तो। और ये टाइम के बारिश में हमने जो ट्रैफिक की समस्या हमेशा होती थी ये टाइम में बहुत सी कम हो, जो हिंद माता पूरा मुंबई का ध्यान हिंद माता के पास जाता है और वो सही था क्योंकि लास्ट ईयर से तो बंद हुए, नहीं तो पहले भिगो हुए कपड़े का सेल लगता था, ये तो कोई नहीं भी नहीं बोल सकता है तो होता ही था, लेकिन तभी से लास्ट के लास्ट ईयर से भिगो हुए कपड़े का सेल नहीं लगता है, इसका मतलब उनके दुकान में पानी नहीं जाता है, उनके जो स्टेप रहती है 2-2.5 फुट 3 फुट की उधर तक ही पानी रहता है,
और 3-4 घंटे में पानी चला भी जाता है। उसका कारण है अपने जो पंप है वो पंप भी अच्छे काम कर रहे हैं। अपना जो उदचन केंद्र है 6 बड़े वो मुंबई में ज़्यादा एक्टिव है और मुझे लगता है जो मुंबई की पहली स्थिति रहती थी 5-6 फुट के ऊपर और 5-5 दिन, उससे तो आज का जो पानी का समस्या है बारिश की वो बहुत ही कम हुई है और भी कम हो जाएगी। बहुत से रेलवे में हम लोगों ने परमिशन लेके ही काम किया है, लेकिन कल मुझे ऐसा पता चला है कि 2-3 जगह भी पंप की चालू करने के लिए उनके पास जो स्किल वर्कर रहता है वो नहीं मिला है। लेकिन हमने आज ही तय किया है कि हमारे सब खासदार में पत्र देने वाली है, हमारे अनिल देसाई सचिव है उनको, कि सब खासदार मिल के ये जो मुंबई में रेलवे के ईस्टर्न वेस्टर्न सबब और अपना सिटी जो रेलवे वेस्टर्न की सेंट्रल रेलवे और सबर्ब क्या बोलते हैं, हाँ उनके जो रेलवे के ठिकाने हैं पूरी प्लेसेस, उनके साथ बातचीत करके उनको जो हम लगाते हैं पंप उसको एक्टिवेट करने के लिए। मुंबई में आंकड़ा बंद है, आंकड़े का ये नहीं है, लेकिन बहुत से लोग आंकड़ा लगाना चाहते भी हैं, लेकिन अपने पास तो ऐसी रिवर है ही नहीं मुंबई में कि मृत्युदेह पकड़ा और थोप दिया तो शायद छुप सकते आंकड़े। लेकिन अपने इधर तो हर एक रुग्ण का 3-3 बार नोंदनी हो जाती है, जो इधर चेकअप करता है उधर नोंदनी होती है, उसके बाद वो वार्ड में आने के बाद डेथ होता है शायद उधर नोंदनी होती है, स्मशान में जाते हैं कौन से भी जो जिसका धर्म है उसे उधर नोंद होती है। आज का 5-4 नोंदनी शाम के बाद होने तो कल हो सकते हैं उसमें, कल की परसों हो सकती है, लेकिन छुपाया नहीं जाती है क्योंकि रिवर ही नहीं है अपने पास। जैसे हमने देखा है सोशल मीडिया से, आपके मीडिया से थोप देते हैं रिवर में, किधर है कौन सी सत्ता है उधर, तो वो जाने दो, उसके झमेले में नहीं पड़ना है। लेकिन आंकड़ा नहीं छुपाए जा सकते क्योंकि मुंबई के जो लोग हैं उनको हर एक को डेथ सर्टिफिकेट लगती है, वो किधर से लेके आएंगे, छुपाएंगे तो लेके कैसे आएंगे।